5 तारीख की सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 25 से 30 साल के बीच की लेडी है जिसकी डेड बॉडी सस्पिशियस हालत में रूम पे मिली है। साथ ही उसके 2 बच्चे हैं जो बाहर रूम के रो रहे हैं। इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस इन्फॉर्मेशन पे रेस्पॉन्ड करते हुए वजीराबाद SHO एंड उनकी टीम वहां पे पहुंची थी। तो देखा था कि वहां पे एक लेडी डेड थी जिसके शरीर पे एज सच कोई निशान दिख नहीं रहे थे। वहीं पे तुरंत क्राइम टीम को बुलाया गया था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था FSL रोहिणी से। एंड इसमें कोई निशान बॉडी पे दिख नहीं रहे थे, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जो लेडी का पति था वो वहां पे मौके पे मौजूद नहीं था। इन सब चीजों को देखते हुए पति के लिए तलाश की गई ताकि उसे पूछताछ की जा सके कि क्या इंसिडेंट हुआ है, और साथ ही साथ बॉडी को मॉर्चरी शिफ्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि जो नेचर ऑफ डेथ है वो होमिसाइडल मतलब मर्डर हो सकता है। और पैरेलली उसी वक्त उसी टाइम पे वजीराबाद की टीम ने जो इनका पति था उसको भी ट्रेस आउट कर लिया था एंड उनको डिटेन कर लिया था पूछताछ के लिए। सस्टेन्ड इंटरोगेशन से पता लगा कि पति ने ही अपनी पति पत्नी की हत्या की थी, चोक लगा के उसको मारा था। एंड ये चीज जो इंजरीज पोस्टमार्टम में हो रही थी उनसे भी कोरोबरेट हो रही थी। पति को शक था कि पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उसने जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका शक था उसको, उसका नाम भी लिख दिया था कि ये कारण है इसकी मृत्यु का। इन सारी चीजों का की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कराई गई है ताकि इनको सबूत के तौर पे यूज किया जा सके। इसमें अगले दिन फिर जब ये सारी चीजें खुलासा हुई तो मर्डर की FIR दर्ज की गई। पहले इसमें 174 CRPC की जो कार्रवाई होती है पोस्टमार्टम से पहले वो की गई थी, एंड मर्डर FIR करके जो पति था उसके डिस्क्लोजर के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया है एंड जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।